हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस इतने दिनों से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एक वीडियो हम अपलोड किया था, बट उस वीडियो हम बहुत ही पहले वीडियो कर चुका था, उस वीडियो को हम पब्लिश किया बिकॉज हमारे जो यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल पर रहता हूँ, वेस्ट बंगाल पर आप जानते ही होंगे कुछ दिन पहले जो है अम्फान या उमपुन चला गया, तो आप जान गए होंगे कि एक कितना डेंजरस था। तो इस इतनी दिन तक, यानी कि लगभग 20 दिन तक हमारे जो घर पर करंट का कोई भी सप्लाई नहीं था। तो हम यहाँ पर हमारे इन्वर्टर तो लगता है, आप जानते होंगे इस वक्त में ये जो करंट जाने के वक्त में इन्वर्टर कितनी हेल्प करता है, तो आप जानते ही होंगे। तो हम सिंपली उस वक्त में एक इन्वर्टर खरीदा हूँ एंड इस इन्वर्टर का फुल रिव्यू हम करेंगे। अनबॉक्सिंग हम कर चुका हूँ, हम पहले ही कह देता हूँ अनबॉक्सिंग यहाँ पर नहीं है, रिव्यू हम करेंगे। एंड इस बॉक्स में कौन कौन फीचर्स इसमें ऐड कर दिया है, ये जो है इन्वर्टर जो है, ये जो है माइक्रोटेक 26x7 एंड इसका जो वोल्टेज वाट है वो है 1125 वोल्ट का वाट। तो आप इस रिव्यू को इन तक देखते रहो तो पूरा का पूरा समझ जाओगे। एंड माफ कर देना इस दिन इतनी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो सॉरी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक इंट्रो हो जाए। टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे के सारे वीडियो पहले पाने के लिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए एंड उसके बाद ऑल पे क्लिक करिए। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आप सबसे आगे एंड बहुत ही सीक्रेट वीडियो आप इस चैनल से पा सकते हो। हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जान लेते हैं माइक्रोटेक का जो 26x7 11125 का जो वाट है वो इस इन्वर्टर को झेल सकता है। तो इस इन्वर्टर को आप कैसे परचेस करोगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हम बोलूँगा सब कुछ बोलूँगा, आप थोड़ी देर रुक जाओ। तो हम पहले कह देते हैं इस इन्वर्टर का जो वाट एंड लोड कैपेसिटी है बहुत ही अच्छी है। हम इतने दिनों से चल रहा हूँ, 20 दिन करंट ऑफ था, बट हम यहाँ पर वीडियो नहीं कर रहा है बिकॉज आप जानते ही होंगे। एंड हमारे घर पर जो है 20 दिन लाइन नहीं था, करंट नहीं था, बट 30 दिन तक हम वीडियो कोई भी अपलोड नहीं किया है बिकॉज हमारे मेंटली जो है बहुत ही डिस्टर्ब था, यानी कि हम बहुत काम पर बिजी रहता हूँ, तो वो इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, बट ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 26x7 हाइब्रिड का जो ये इन्वर्टर है, हाइब्रिड बहुत ही अच्छे है। ये जो है साइन वेव इन्वर्टर है। साइन वेव किसे कहते हैं, जिस इन्वर्टर को आप लगाने से आपके घर में ब्रांड के जो पंखे हैं या नहीं, ब्रांड के जो लाइट है या नहीं, कोई भी मतलब नहीं है, आप कुछ भी चला सकते हो। ये कैसे हम बोल सकते हो, देखिए आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिए साइन वेव और जो है और एक इन्वर्टर वे है, ये हमारा जो है साइन वेव इन्वर्टर है। एंड और एक ब्रांड है वो भी माइक्रोटेक का ही है और वो भी बहुत ही अच्छा है, उसका पिक्चर जो हम यहाँ पर दे रहा हूँ। इसका ये जो साइन वेव है और उसका जो नेम है वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, उसका तो एडिट करने वक्त उसके नीचे में जो है ये नाम आप पढ़ सकते हो, ये जो इन्वर्टर है एंड इस इन्वर्टर के नीचे जो नाम है पढ़ सकते हो, हम एडिट कर दूँगा। तो ये देखिए, आप वो इन्वर्टर खरीदोगे तो आपको जो ब्रांड चाहिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सिंपली वो इन्वर्टर को जब कनेक्ट करोगे वो जो है पंखे को जला देगा। नॉर्मल जो पंखे हैं वो जो ब्रांड के नहीं हैं वो जला देगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है, ये नहीं कि इसका कोई मतलब नहीं है, आप बहुत आप जो है इंटरनेट पर सर्च कर देखो, पंखे जला देते हैं, पंखे पे उसका जो है जला देते। हमारे एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड भी ये यही इन्वर्टर, ये जो साइन वेव है और वो जो है हम यहाँ पर नाम देता हूँ नॉन साइन वेव, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर नाम देता हूँ नॉन साइन वेव, ठीक है। तो ये बात देखिए, वो जो है वो इन्वर्टर खरीदा है एंड उसमें उसके घर पे जो है इन्वर्टर खरीदने वक्त ये नहीं समझ के आया कि नॉन साइन वेव या साइन वेव कौन सी हम खरीदें। वो नॉन साइन वेव खरीदा एंड उसका पंखा जो है जल गया, वो वारंटी के अंदर था तो वो बच गया, वारंटी के अंदर था तो वो बच गया, वारंटी अब नहीं था तो वो फंस गया था, तो वारंटी था तो बच गया, वो बात छोड़ो। एंड ये जो है साइन वेव हम कैस क्यों कह रहा हूँ, एंड इसका जो मॉडल है वो आप देख सकते हो, इसका हम फुल रिव्यू करेंगे, ये हम बॉक्स को बोल रहा हूँ एंड इसका जो रिव्यू है वो भी हम करेंगे, देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट देता है एंड एक कितनी वोल्ट का करंट लेता है, सारे के सारे आपके सामने है एंड इसका जो ब्रांड
है ये भी आपके सामने पर है। एंड ये जो कलर है यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो कलर आता है, यहाँ पर जो इंडिकेटर जलता है, तो वो हम दिखा दूंगा। तो उसके पहले बॉक्स को, बॉक्स के कंटेंट को हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, तो आपका पूरा अंदाज हो जाएगा कि क्या क्या इसमें मिलता है। पहले इसमें जो है फास्ट चार्जिंग मिलता है, ऑटो फास्ट चार्जिंग मिलता है, यानी कि आपके जो पीछे जो है स्विच है वो हम दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, हम पहले बोल देता हूँ। वहाँ पर देखिएगा एक, वहाँ पर एक पोर्ट है, वहाँ पर वो हाई एंड लो कर देने से, हाई कर देने से आपका जो इन्वर्टर है बहुत अच्छी चल जाता है, एंड लो कर देने से बहुत ही स्लो चार्ज होता है। तो यहाँ पर है हाई कर देंगे तो 2 घंटे के अंदर आपका इन्वर्टर जो है चार्ज हो जाएगा, आपकी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऑटो रीसेट है। ऑटो रीसेट हम क्यों कह रहा हूँ, ऑटो रीसेट कहने का मतलब ये है कि इन्वर्टर जो है बहुत वक्त गर्म हो जाता है, बहुत वक्त जो है ख़राब होने के तड़प पे रहता है, बट वहाँ पर ऑटो रीसेट होने से उसका जो इन्वर्टर है वो ऑटो रीसेट हो जाएगा। आपकी रीसेट करने से कोई भी मतलब नहीं है, वो खुद ब खुद ऑटो रीसेट हो जाएगा, एंड आपकी इन्वर्टर जो है आप वो खुद ब खुद आपने ख्याल रख सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो खुद ब खुद आपने ख्याल रख सकता है। यहाँ पर 2 पॉइंट गया, एंड इसमें लो वोल्टेज का चार्ज भी एक्सेप्ट करता है। आपके घर में लो वोल्टेज है वहाँ पर भी एक ऑप्शन है, वो आप लो करके रखिए, तो आपका घर में जो है 230 वोल्ट के नीचे में करंट आता है तो लो करके रखिए, 230 के ऊपर पे आता है तो हाई करके रखिए, तो आपका जो है इन्वर्टर बहुत ही अच्छी रन करेगा, कोई भी मतलब इन्वर्टर से आपको नहीं होगा। सिंपली ऑफ ऑन कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद और भी एक ऑप्शन है बाईपास स्विच का। ये हम क्या कह रहे हो, बाईपास स्विच एक इन्वर्टर के अंदर होता है। आप जानते हो कि लुमिनस इन्वर्टर में बहुत ही दिनों से बाईपास स्विच आता है, बट माइक्रोटिक इन्वर्टर में बहुत ही कम वक्त में आया है। बाईपास स्विच क्या करते हैं, हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स में समझाता हूँ। बाईपास स्विच जो है आप ऑन कर देंगे तो आपका इन्वर्टर करंट से कोई भी सप्लाई नहीं लेगा, डायरेक्ट बैटरी से लेगा। ऑन कर देंगे तो बैटरी से लेगा, ऑफ कर देंगे तो करंट से लेगा। बहुत वक्त क्या होती है, करंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो हम सिंपली उसे बाईपास कर देंगे, एंड बाईपास करने से आपका करंट जो है बाईपास हो जाएगा, एंड आपके बैटरी से ओवरलोड लेगा। यही मुद्दे की बात है। ये तो आप आ जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स पा जाते हैं। और भी एक फीचर्स वो है रीसेट टेबल। बहुत फीचर्स है दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा अंदाज़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भर भर के जो ये है यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हो कि ना, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा। तो ये था 24x7 के रिव्यू, 11125 जो इन्वर्टर है उसका। हाइब्रिड इन्वर्टर क्यों अच्छी है हम आपको कह देता हूँ। हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको बहुत सारे फीचर्स ऐड पाओगे, बट ई बी इन्वर्टर में उतनी सारी फीचर्स नहीं आता, इतनी सारी फीचर्स कभी नहीं आएगा। वो बहुत पुराना इन्वर्टर है, ये बहुत नया इन्वर्टर है, नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, एंड बहुत ही धमाल कर देना वाला है। आपका लिंक इसका जो खरीदने बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके इसका रिव्यू देखिए, एंड इसका रेट वहाँ पर देखिए, आप वहाँ सही से समझ जाओगे कि ये कितना अच्छी है। तो इसके बाद जो है हम थोड़ी सी प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, प्रैक्टिकली ये रहा। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टर है वो HP 11125 का जो इन्वर्टर है, वहाँ पर चार्ज फुल होने से आपका जो है ये सिंबल दिखाएगा, एंड आपका जो मेंस ऑन होने से, यानी कि आपके जो लाइन आपके घर पे आने से ये स्विच आपको ऑन दिखाएगा, एंड जब आपके करंट चला जाएगा वो UPS ऑन होके दिखाएगा। हम आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे ये होगा। तो आप देख सकते हो ये इजीली जो है UPS को ऑन कर दिया, एंड बैटरी से सप्लाई कर रहा है, एंड यहाँ पर फिर से मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। आप यहाँ पर से ये जो इंडिकेटर जलने से यहाँ पर देखिए चार्जिंग हो रहा है। जब आपका इन्वर्टर का लोड ज़्यादा होगा तब आपके इन्वर्टर से पीछे से जो है पंखे
चालू होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज जो है दिखाना शुरू हो गया कि आपके इन्वर्टर में चार्ज हो रहा है ये सिंबल आने से, यानी कि ये जो है टिमटिमा रहा है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ओवरलोड के सिंबल है, यानी कि आपके घर में जो आप टीवी फ्रिज एसी सारे के सारे यहाँ पर कनेक्ट करने से आपको जो है 11125 का जो ये जो वाट का इन्वर्टर है वो लोड नहीं ले पाएगा। एंड आपका जो है ओवरलोड यहाँ पर दिखाएगा। एंड यहाँ पर नीचे में आपको दिखा नहीं सकता, अंधकार है, यहाँ पर एक स्विच है वो डायरेक्टली नीचे आके आपका जो है इन्वर्टर तुरंत ही ऑफ कर देगा। ये जो है इसके खासियत है, ये जो है माइक्रोटेक का हाइब्रिड के इन्वर्टर के ये जो है खासियत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैटरी लो दिखा रहा है, बैटरी लो यानी कि आपके बैटरी जो है लो है वो आप समझ सकते हो। एंड इसके बाद सीबी ट्रिप, सीबी ट्रिप क्या है मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। सीबी ट्रिप जो है आपके इन्वर्टर में जब खराबी दिखाई देगा, आपके बैटरी का वाटर लेवल जब थोड़ा सा नहीं बहुत ही गिर जाएगा, वो जो है सीबी ट्रिप ऑन हो जाएगा। एंड आपके इन्वर्टर जो है बहुत ही तेजी से एक साउंड करेगा ची करके। तो ये जो है ये तीनों ही जब ऑन होगा तो आपके इन्वर्टर से एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर एक साउंड आपको सुनाई देगा। तो ये इन्वर्टर में ये जो स्विच है ये आप ऑफ कर देने से आपको जो है लाइन ऑफ होने से ऑफ हो जाएगा आपके घर में जो लाइट वगैरह है। एंड ये जो है ऑन कर देने से आपके घर में जो है लाइट वगैरह है वो ऑन ही रहेगा। आपके वायरिंग कर लेंगे आपके घर पे तो आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड ये जो हाइब्रिड का जो ये माइक्रोटेक का 11125 का जो इन्वर्टर है यहाँ पर आपको जो है बैटरी क्या मिलेगा आपको मैं बोल देता हूँ। बैटरी यहाँ पर कम से कम 150 mAh से आप 180 mAh का बैटरी आप लगा सकते हो तो लगाओ, तो बहुत ही अच्छी होगा। एंड आप नहीं लगा सकते तो आपका थोड़ा सा नीचे पे आप जा सकते हो एंड थोड़ा सा ऊपर पर आप जा सकते हो। देखिए जब ये चार्ज हो गया इससे जो फैन के जो साउंड है वो ऑफ हो गया एंड इससे जो और एक साउंड आ रहा था वो भी ऑफ हो गया। तो ये इसका खासियत है, जब ये हीट होगा वो अपने आप ही अपने पीछे में पंखे वो घुमा लेगा, ये खासियत है। एंड यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो है बैटरी हमारी यहाँ पर कौन सी बैटरी लगा हुआ है वो हम सीक्रेट लगा हुआ वो बाद में हम आपको बोल दूंगा। तो यहाँ पर आप 180 mAh तक आप जाओ तो बहुत ही अच्छे होगा इन इन्वर्टर से। इसमें हम आपको पहले ही कह दिया कि इसमें जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोटेक, यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोटेक का टेक्नोलॉजी वी लिव यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो। एंड ये जो है 24x7 है। तो इसके हम पीछे से आपको हम दिखा देता हूँ इसका पीछे क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर एक पंखे आपको मिल जाएगा एंड पंखे के साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर हाई एक जो पहले का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर जो है चार्जिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, यानी कि आपके इन्वर्टर में चार्ज कैसे आप कर सकते हो। आपके यहाँ पर आप 150 mAh से नीचे का बैटरी ले रहे हो, 150 mAh का बैटरी ले रहे हो तो आपको यहाँ पर सिंपली इसे ऑफ कर देना है, यानी कि STD पे कर देना है। एंड आपके जो उससे भी ज़्यादा ऊपर के बैटरी है तो आप इसे हाई कर देना है, चार्ज वोल्टेज को मेंटेन करता है। एंड उसके बाद देखिए ये जो है इनपुट वोल्टेज, यानी कि आपके घर पे जो है 230 के नीचे में वोल्टेज आता है तो इसे सिंपली आप STD पे कर दीजिए, यहाँ पर STD। एंड आपके घर में 230 के ऊपर में आता है तो यहाँ पर नैरो को कर दीजिए। तो ये इससे क्या होगा आपकी इन्वर्टर को ये जो बैटरी है इस बैटरी को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखेगा। उसके बाद देखिए चार्जिंग क्वालिटी, यानी कि आपके कंप्यूटर आपके जो इन्वर्टर है यहाँ पर इसे फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट किया गया है, यानी कि आपकी बैटरी जितनी भी बड़ी हो ना कहनो वो जो है इसे सपोर्ट करेगा फास्ट चार्जिंग, यानी कि इसमें 15 mAh तक सपोर्ट करता है चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग कर देगा यहाँ पर हाई कर देने से। आपके आपके जो घर में आपके घर गांव में है तो 2 घंटे का इलेक्ट्रिक आता है तो इसे हाई कर दीजिए। एंड 2 घंटे ये क्यों, आपके घर में सारे दिन इलेक्ट्रिक रहते तो ये STD पे कर दीजिए तो अच्छी होगा। एंड ये क्या है UPSR बाईपास, UPSR बाईपास का हम डिटेल्स हमको समझा दिया है उस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए UPS कर देने से आपका जो UPS है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा, आप कब लाइन गया एंड कब लाइन आया कोई आप समझ नहीं पाओगे। एंड बाईपास कर देने से आपका जो UPS है ऑफ हो जाएगा, लाइन ऑफ होने से ऑफ हो जाएगा एंड ऑन होने से ऑन हो जाएगा।
एंड बाईपास कर देने से आपका करंट जो है ऑफ हो जाएगा एंड यूपीएस को ऑन कर लेगा, यानी कि बैटरी से आपको जो है सप्लाई मिलेगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पंखे है, ये जो पंखे है आपको मैं बोल दिया हूँ, इस पंखे को जब इन्वर्टर गर्म होता है तो ये अपने आप ही चालू हो जाता है। एंड ये जो है आउटपुट प्रेस टू रीसेट है, यानी कि ऑटो रीसेट यहाँ पर आपको मिल जाता है, ऑटो रीसेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड ये जो आउटपुट है, आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा 210 से 220 वोल्टेज का यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, यानी कि 10% एंड 12 वोल्ट का यहाँ पर मिलेगा, 12 वोल्ट का यहाँ पर आप देख सकते हो 12 वोल्ट। यहाँ पर बैटरी क्वालिटी भी आप देख सकते हो कितने बैटरी लेगा, तो बहुत ही अच्छी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 वोल्ट 123 से 188 तक आप इसे बैटरी सपोर्ट करेगा, तो ये बहुत ही अच्छा। इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम है जो डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज करने के लिए, तो ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा है कि ये इन्वर्टर का फीचर्स एंड ये इन्वर्टर के पंखे कितने हैं, ये इन्वर्टर क्या लोड कैपेसिटी कितने लेता है, एंड इसका जो बैटरी है वो थोड़ा सा गुप्त हम रखा हूँ, एंड वहाँ पर जो इसका एम्पियर है हम कितने रखा हो, इसका बैटरी क्या है, कौन सी कंपनी का बैटरी हम लिया है, तो वो सारे के सारे बात दूसरे दिन हम आपको बोलूँगा। एंड आप बहुत जल्दी चाहते हो तो कमेंट करो। तो इसका जो प्राइस है वो हम आपको बोल देता हूँ, इसका जो प्राइस है वो 5500 है इसका जो प्राइस है। एंड और भी इसका लो वर्सन है, इसका जो लो वर्सन है वो है 700 वाट का, वो आपको मिल जाएगा 4000 में, यही डिफरेंस है। एंड ये जो है साइन वेव है, एंड यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी होगा बैटरी। हम थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बैटरी आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है 180 एम्पियर के, यानी कि 180 एम्पियर के आपको बैटरी यहाँ पर दोगे तो बहुत ही अच्छी फास्ट रन करेगा, एंड उससे ज़्यादा दोगे कोई बात नहीं वो भी बहुत ही अच्छी रन कर लेता है। तो इसका फुल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग तो हम नहीं किया, सॉरी, एंड इसका फुल रिव्यू हम किया है। तो इस रिव्यू को कैसे लगे, इस रिव्यू को अच्छा लगने से प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को टॉप पर पहुँचाइए, सर्च लिस्ट पे टॉप पर पहुँचाइए। इस तरह से रिव्यू कोई नहीं करता। और एक यूट्यूबर है, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो बहुत ही घटिया रिव्यू करता है, उसका रिव्यू हम 2-3 देखा है, बहुत ही घटिया रिव्यू करता है, रिव्यू उसका अच्छी नहीं लगता। तो इस रिव्यू को आपको टॉप पर पहुंचाना है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट पर लिखना है कि इस वीडियो को बहुत ही अच्छी लगा, आपको करना है। इससे ये करने से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, ये जो इन्वर्टर के रिव्यू कोई भी इतनी अच्छे से नहीं करता। तो ये रिव्यू हम किया है, एंड इसके बाद बैटरी का रिव्यू हम करेंगे, एंड उसके बाद हम और एक पार्ट लाएंगे, वो होगा हम क्यों ए इन्वर्टर के लिए वो बैटरी क्यों परचेस करें। दोनों के पार्ट हम 3 पार्ट करेंगे, तो ये 3 पार्ट को आपको टॉप पर पहुंचाना है, मुझे कोई भी मतलब नहीं है, आपको टॉप पर पहुंचाना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, एंड लाइक ठोक दीजिए, लाइक को आप तोड़िए फोड़िए मुझे नहीं पता, उसको जो है ठोक दीजिए, लाइक को ठोक दीजिए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ मिलता हूँ, तो बाय।